हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपकी कस्टमर का पैन कार्ड है और कस्टमर जानना चाहते हैं उसका पैन कार्ड में सही में डिटेल्स क्या है, उसका पैन कार्ड खो गया, उसका पैन कार्ड नंबर है बट उसका पैन कार्ड का डिटेल्स पता नहीं है, तो आप पता कर सकते हैं, उसका डिटेल्स पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आज बात करेंगे इस वीडियो से। पैन कार्ड का सारा डिटेल्स आप निकल सकते हैं, पैन कार्ड में उसका नाम क्या है, उसका फादर का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सारे चीज जान सकते हैं। अगर आपके पास पैन नंबर है उससे कैसे आप डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं, आज बात करेंगे। पैन कार्ड डिटेल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक साइबर वैली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के लिए। देखिए भाई साहब, अगर आपको पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड करना है, पैन कार्ड का डिटेल्स जानना है जिसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, उसको आपको अगर जानना है तो कैसे जान सकते हैं, उसके लिए आपको इस वेबसाइट में आना होगा जिसका नाम है स्मार्ट सीएसपी। इसमें आपको आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड, देख सकते हैं स्क्रीन में पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड। जो भाई के पास स्मार्ट सीएसपी का आईडी नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपका कुछ डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड में जो नेम है यहाँ पर टाइप कर दीजिए, चलिए हम टाइप करते राम मंडल। उसके बाद आपका जो पैन नंबर है वो यहाँ पर टाइप कीजिए, इसी तरह से आधार नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए, आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन जो चार्ज है यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का क्या चार्ज है, अप्लाई नाउ में आप क्लिक कीजिए, आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको ये देखने के लिए यहाँ पर देखिए फाइंड पैन कार्ड डिटेल्स में क्लिक कीजिए, तो आपका जो फाइल है जो आपने सबमिट किया वो अभी स्टेटस पेंडिंग में है। यहाँ पर आपका फादर नेम मिल जाएगा, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको ओनली 5 से 30 मिनट वेट करना होगा इसको प्रोसेसिंग होने के लिए। A few moments later. कुछ टाइम बाद आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको आना होगा फाइंड पैन कार्ड डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए फाइंड पैन कार्ड डिटेल्स लिस्ट, इसमें क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए आपने जो फाइंड किया था पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, उसका नाम है पैन कार्ड में रामदास मंडोल, उसका फादर का नाम है राजू दास मंडोल, उसका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में क्या है वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी कस्टमर का पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी कस्टमर का आपको पैन कार्ड प्रिंट आउट करके देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पैन कार्ड प्रिंट, तो आपको सिंपली इसमें फास्ट पैन कार्ड प्रिंट में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो पैन नंबर है टाइप कीजिए और आपका पैन कार्ड डिटेल्स में जो डिटेल्स मिला वो यहाँ पर फुल नेम में फिल कीजिए, फादर नेम फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, जेंडर फिल कीजिए और सिग्नेचर इमेज अपलोड कीजिए, पैन कार्ड टाइप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए, आपका पैन कार्ड प्रिंट आउट हो जाएगा, उसको आप हर काम में यूज कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो से बात किया आप कैसे पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड करना है उस रजिस्टर करके आप आईडी ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो से बात किया कैसे आप पैन कार्ड डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,